तो बेसिक शिक्षा के संदर्भ में सामने सामने सर बेसिक शिक्षा के संदर्भ में अवगत कराना है कि शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि के लिए शासन स्तर से अभी 1 फरवरी को एक शासनादेश निर्गत हुआ है, जिसमें खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक के सह समन्वयक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों सभी को टैबलेट, डाटा सहित कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, लैपटॉप दिए जाने की आदेश किए गए हैं, जिसके तहत जिले स्तर पर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय अध्यक्ष हैं, NIC से एक प्रतिनिधि हैं, डाइट के प्राचार्य हैं, वित्त एवं लेखाधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समिति में हैं, जिनके द्वारा ये गेम पोर्टल के माध्यम से सामग्री क्रय किए जाने के निर्देश हुए हैं। जनपद स्तर पर भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाया जाएगा और राज्य स्तर में भी एक कंट्रोल रूम होगा, जिससे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान जिले स्तर पर विद्यालयों से किया जाएगा। इससे शैक्षिक स्थिति का आकलन डिजिटली किया जाएगा। जी, RTE के संबंध में कुछ बताइए। RTE 2009 की धारा 12(1)(ग) के अंतर्गत अलाभित समूह और दुर्बल आय वर्ग के बच्चों का प्रवेश प्राइवेट विद्यालयों में 25% सीटों पर नर्सरी और कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने के लिए प्रावधान है, जिसके लिए जनपद के जितने भी नगर क्षेत्र के विद्यालय हैं उनकी मैपिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है और ऑनलाइन जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उनके गार्जियन वो ऑनलाइन फीड कराएंगे और उसके बाद लॉटरी सिस्टम से उनका चयन विद्यालय में प्रवेश कराने के लिए किया जाएगा। जी, रूरल एरिया के लिए क्या सिस्टम है? रूरल एरिया के लिए ऑफलाइन जो है आवेदन पत्र लिए जाएंगे और वांछित विद्यालय में उनके प्रवेश कराने की कार्रवाई की।